हेलो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप जो एग्ज़ाम में स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं उनमें प्रॉपर सीक्वेंस से आप सेंटेंस का यूज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टोरी ट्रांसलेशन आपका गलत हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये सबसे सुटेबल तरीके ध्यान रखना है कि जो भी स्टोरी आपको ट्रांसलेट करने के लिए दी गई है उस स्टोरी को पहले आप एक या दो बार जरूर सही से पढ़ें। अगर आप स्टोरी को सही से पढ़ ले रहे हैं तो स्टोरी के इंटेंशन आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी किस प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है या पास्ट पर बेस्ड है। तो मोस्टली स्टोरी जो भी ट्रांसलेशन हमारा होता है वो प्रेजेंट पास्ट पर ही बेस्ड होती है। प्रेजेंट पे होगी स्टोरी या तो पास्ट पर होगी। कुछ स्टोरीज के सेंटेंसेस कभी पास्ट में हो सकते हैं और कुछ प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, और किसी किसी स्टोरी का ट्रांसलेशन में फ्यूचर में भी मिल जाता है। तो अगर स्टोरी का ट्रांसलेशन हमें करना है तो सबसे पहले हमें स्टोरी को ध्यान लगा के पढ़ना है कि स्टोरी प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में। अगर स्टोरी प्रेजेंट टेंस में है तो हमें उसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर के स्टोरी का ट्रांसलेशन करना है। वन बाय वन करके हम लोग स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है स्टोरी का ट्रांसलेशन करना। उसके लिए आपकी वोकैब जो भी है उस वोकैब को भी आपको थोड़ा इम्प्रूव कर लेना है, जिससे कि कोई भी एग्जाम में भी, चाहे यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, चाहे जैसा भी एग्जाम, अगर स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए आपके लिए है तो मोस्टली आप एग्जाम में स्टोरी के ट्रांसलेशन की वोकैब के द्वारा अपने सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप स्टोरी को ट्रांसलेट कर ले रहे हैं तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही सुटेबल होने वाले हैं। उन सेंटेंसेस को मैं कुछ आपको जो देने वाला हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही सरल स्टोरी है ये। जैसे वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, वे हमें फल फूल तथा छाया प्रदान करते हैं, वे हमें फल फूल तथा छाया प्रदान करते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, वृक्ष वर्षा कराते हैं, ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो वृक्ष भूमि क्षरण को भी रोकते हैं। भूमि क्षरण, क्षरण मतलब इरोजन। तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस हमारे जितने भी हैं किसमें है, सब बहुमूल्य है, प्रदान करते हैं, देते हैं, कराते हैं, होती है, रोकते हैं। इन सेंटेंसेस को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि हमारी स्टोरी किस पर बेस्ड है, टोटल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है। अब हमें सेंटेंसेस को देख लेना है प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जैसे भी हमारी स्टोरी जिस टेंस पे है उसी अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट को निकाल लेना है, और उसके बाद वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को वन बाय वन करके हमें रखते चले आना है। तो हम बहुत ही आसानी से, चाहे इतना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसे हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश स्पीकिंग में भी हमें अगर कोई भी बोलना है दूसरे सामने, तो हम ऑलरेडी अपने मन में ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में शोर करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दूसरे सामने स्पीक कर देते हैं। तो ये भी एक ट्रांसलेशन का एस्पेक्ट है, बहुत ही इजी वे है, बहुत ही सरल पैटर्न है स्पीकिंग का भी और स्टोरी ट्रांसलेशन का भी। तो चलते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कौन से हमारी स्टोरी है। ये वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ट्रीज, वृक्ष, दैट्स अ प्लूरल। तो वृक्ष है, ऑलरेडी आर, बहुमूल्य, वैल्यूबल, प्रीशियस भी होता है हमारे जीवन के लिए, फॉर अवर लाइफ। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को निकाला ट्रीज, आर पीछे से एक एक करके जुड़ते चले आ रहे हैं, ट्रीज आर वैल्यूबल या प्रीशियस फॉर अवर लाइफ, फॉर अवर लाइफ हमारे जीवन के लिए। तो ट्रीज आर वैल्यूएबल फॉर अवर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है इसके आगे, वे हमें फल फूल तथा छाया प्रदान करते हैं, वे हमें फल फूल तथा छाया प्रदान करते हैं, वे दे करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता होने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो दे गिव अस फ्रूट्स, फल है क्या, फूल, फूल में फ्लावर्स, एंड छाया, छाया मीन सेट, सेस नहीं होता कभी छाया पर, छाया के लिए सेर ही होता है, लेडी एस एच ए डी ई। तो हमें क्या, वे हमें फल फूल तथा छाया प्रदान करते हैं, तो दे गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सेट,
बिल्कुल सरल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्ष के लिए ट्रीज, ट्रीज, ट्रीज के बाद क्या है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, भी मीन्स आल्सो, तो ट्रीज आल्सो गिव अस क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, तो ट्रीज आल्सो गिव अस ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेंटेंस, वृक्ष वर्षा कराते हैं, वृक्ष ट्रीज कॉज कराते हैं, मतलब कारण बनते हैं, कराते हैं, तो ट्रीज कॉज रेन, रेन माने वर्षा कराना। तो ये डेफिनेट टेंस में ये इसको भी रखा गया। ट्रीज सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी की फर्स्ट फॉर्म का यूज सेंटेंस में किया गया है, तो ट्रीज कॉज रेन। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस देखते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है, ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है, तो हमें दैट मीन सब्जेक्ट इज हमें, हमें लिए हो गया वी गेट, प्राप्त होती है प्रेजेंट डेफिनेट, वी गेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, से मतलब फ्रॉम किसे, ट्रीज, वृक्षों से, तो वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस, वृक्ष भूमि क्षरण भी रोकते हैं, भूमि क्षरण दैट्स मीन आई हैव टोल्ड यू दैट्स भूमि क्षरण मीनिंग हमारी होती है सॉइल इरोजन, भूमि कटाव या मृदा का कटाव दैट्स सॉइल इरोजन है। वृक्ष भूमि क्षरण भी रोकते हैं, ट्रीज चेक द सॉइल इरोजन। भूमि हमारे सब्जेक्ट पहले से वृक्ष को लिया गया, सब्जेक्ट हो गया, ट्रीज रोकते हैं या काटते हैं, चेक तो हो गया चेक करना, CHEK चेक, ट्रीज चेक द शुआइल इरोजन। तो ये बहुत ही आसान सेंटेंसेस थे जिन्हें आपने ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर ऐसी तरह के कुछ सेंटेंसेस आप बनाकर इसको ट्रांसलेशन एक्सपर्ट में रखें और अपने द्वारा कुछ सेंटेंसेस बनाकर दूसरों के सामने प्रेजेंट करें, स्पीक करें, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी अच्छी इम्प्रूव हो सकती है, और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के द्वारा आप सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी स्टोरी चाहे इतनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, सभी सेंटेंसेस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले रहे हैं अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हैं तो। ओके okay.